विषय उसको लेकर आए हैं। विषय है क्लाइमेट चेंज, जिस पे पूरी दुनिया को चिंता है, पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। हमारे साथ आज हैं उदित भाटिया, ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन यूएसए में। साथ में हैं अमन मार, ये एमएससी एनवायरमेंटल साइंस हैं और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। दोनों का पल पल में स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि हम सिरसा में बैठे हैं और क्लाइमेट की बात होती है, वेदर की बात होती है, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन चाहना चाहूँगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज। जब हम क्लाइमेट और वेदर की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमें रहती है कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। जब हम वेदर की बात करते हैं, हम जो दिन प्रतिदिन का मौसम है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कल बारिश होगी, आज का तापमान क्या है, आज जो हवा चलेगी वो किस डायरेक्शन से चलेगी और किस इंटेंसिटी से चलेगी, वो सब वेदर है। पर जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात करते हैं कि अगले 30 साल, 60 साल, 70 साल और अगले 100 साल में हमारा वेदर पैटर्न्स कैसा होगा। क्या अगले 30 सालों में जो गर्मी का मौसम है वो आज की गर्मी से कितना डिग्री सेल्सियस ठंडा या कितना डिग्री सेल्सियस गर्म होगा। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम इन वेदर पैटर्न्स में जो एस्टेब्लिश चेंजेस हैं, जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, जब वो सिस्टमेटिकली चेंज होते हैं, देन वी से दैट क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 100 साल पहले जो गर्मियाँ थी उसमें एवरेज टेम्परेचर अगर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस था, और आज की डेट में और अगले 30 साल तक वही टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रहता है, देन वी से दैट क्लाइमेट हैज़ चेंज फ्रॉम पास्ट 100 ईयर्स। ना कि कल अगर मौसम गर्म हो गया या मॉनसून एक साल में डिले हो गया, हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज है, वो गलत होगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की दो मेन पार्ट्स हैं, एक है नेचुरल वेरिएबिलिटी, कि जो मौसम है वो अपने आप खुद भी वेरी करता है कि इस बार की गर्मी पिछली बार की गर्मी से ज़्यादा गर्म है या कंपेरिजन में थोड़ी ठंडी है, तो वो है नेचुरल और इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी, कि हर साल मौसम कैसे बदल रहा है। बट जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो है सिस्टमेटिक चेंज विच इज़ देयर टू स्टे। एक इंग्लिश में फेमस प्रोवर्ब है कि क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट, वेदर इज़ व्हाट यू गेट। सो ये बेसिक डिफरेंस है जब हम क्लाइमेट और वेदर की बात करते हैं। ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबल नहीं है। बिल्कुल, अगर एक दो साल की बात करें तो वो वेदर की बात ही होगी, अगर 10, 20, 30, 40, 50 साल की बात करें तो वहाँ थोड़ा क्लाइमेट का आप जिक्र कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सिरसा की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 31 साल पहले जो सिरसा या ये इलाका था, इट वॉज सेट टू बी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और आज वो बदल कर हॉट एंड ह्यूमिड हो गए। तो क्या इसको थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ना होगा या वेदर चेंज ही बोलना होगा इसको? अगर ये चेंजेस जैसे आप बोल रहे हैं कि पिछले 30 सालों में कांस्टेंट पैटर्न है, तो ज़रूर ये जो है, ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये सबसे बड़ी बात है। क्लाइमेट चेंज जब हम बात करते हैं तो हम एक बड़े रीजन की बात करते हैं कि ग्लोबली चेंज हो रहा है या नेशनली चेंज हो रहा है या रीजनली चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल ये एक रीजनल पार्ट हो सकता है, और जब हम इन चीज़ों का शोध करते हैं तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। इज़ इट बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, क्योंकि हम बात करते हैं कि इंक्रीज कार्बन एमिशंस एंड इंक्रीज पॉल्यूशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, और क्या ये सिर्फ एक नेचुरल साइकिल है कि अभी हॉट एंड ह्यूमिड है, अगले 30 सालों में फिर से हॉट एंड ड्राई हो जाएगा। बट एक प्रसिद्ध हाइपोथेसिस है कि जैसे हमारी धरती का तापमान बढ़ता है, तो जो एटमोसफियर है, वातावरण की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी एक रेशियो में बढ़ती है। तो अगर आपका गर्मियों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अगले 30 सालों में अगर वो 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसी टेम्परेचर पर आपकी जो हवा है वो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब अपने पास रख सकती है, एंड दैट्स व्हेन वी एक्सपेक्ट कि जो हमारे एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स है वो बढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी हवा में बनी रहेगी। बट आपका जो कंफर्ट लेवल है, अगर हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिड वेदर रहेगा, तो आपको हीट स्ट्रोक्स होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो आपको यू विल स्वेट मोर और आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे।
तो ये जो सारी चीज़ें ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनके पीछे एक फिजिकल मैकेनिज्म है जिनको अभी भी साइंटिस्ट समझ रहे हैं कि ये जब हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसका हमारे शहर हमारे गांवों से क्या लेना देना है। ये हल्की फुल्की साधारण जानकारी से लेट अस प्रोसीड टू मोर सीरियस बिल्कुल इम्पैक्ट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल हैं, उन पे क्या क्या असर पड़ रहा है, हमारा जो हम ह्यूमंस का क्या उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कॉजिटिव्स हैं। तो आई थिंक यू बोथ विल बी बेटर टू डिस्कस अबाउट दिस। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है इट इज़ इंक्रीज बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस। बट आजकल एक मैसेजेस वायरल चल रहे हैं, लाइक यू फाइंड देम एवरीवेयर, कि कुछ सालों में लाइक इन लेस देन अ डीकेड दैट अर्थ का टेम्परेचर विल राइज बाई 12 डिग्री सेल्सियस। इज़ इट पॉसिबल? देखिए जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहे हैं मैं उनको ज़्यादा साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी तो एग्जैक्टली, नहीं बट इट्स दूंगा। लाइक वायरल एवरीवेयर, सब जगह ये मैसेजेस चल रहे हैं। इवन लाइक द एजुकेटेड पीपल दे आर शेयरिंग दीज मैसेजेस। देखिए अब जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं ये इतना डीप डीप सब्जेक्ट है, तो 12 डिग्री सेल्सियस आई वुड से एज अ साइंटिस्ट दैट देर इज़ नो थ्योरी बिहाइंड दिस दैट टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 12 डिग्री सेल्सियस। एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है आईपीसीसी के नाम से, आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज मिला था आज से कुछ कुछ वर्ष पहले, जिन्होंने जितने भी रिसर्च इस एरिया में हुई है उस सबको कंपाइल करके एक पब्लिकेशन किया था जिसको आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था। उनके हिसाब से उन्होंने उन्होंने फ्यूचर को 3 सिनेरियोज़ में बांटा है। एक है पेसिमिस्टिक सिनेरियोस, मतलब हमें दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है कि बाकी देश जिन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए वो योगदान देंगे तो हम उसी रेट पे अपना एमिशन करते जाएंगे, वो वर्स्ट केस सिनेरियो कहा गया है। इवन जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो अगले 100 साल में भी 12 डिग्री सेल्सियस चेंज की बात नहीं करता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो गलत धारणाएँ हैं इनको ना फैलाना चाहिए और इनके पीछे एक साइंटिफिक रैशनल देखना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि इसका जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट इलिटरेसी, क्योंकि हमें जो जानना चाहिए कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ये क्यों चेंज हो रहा है, हमें इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। सिर्फ आम आदमियों को भी नहीं, अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी को भी देखोगे वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कहता है कि क्लाइमेट चेंज है, दूसरा दूसरा भाग कहता है कि नहीं ये क्लाइमेट चेंज नहीं, ये तो एक नेचुरल रेगुलराइजेशन है कि आज से कई हजार साल पहले आइस एज थी, अभी आइस एज नहीं है, फिर एक टाइम आएगा फिर से आइस एज होगी। तो ये जो डिवीजन है ये बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए हम जब ये रिसर्च करते हैं तो अदर देन रिसर्च हमारी कमिटमेंट रहती है कि हम अपनी बात को ऑडियंस तक भी पहुंचाएं कि इसका मीनिंग क्या है, जिसके बारे में हम अभी और बात करेंगे कि इन सब चीज़ों का पॉलिसी से क्या लेना देना, व्हाट पॉलिसी मेकर्स इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट शुड डू टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। जैसे कुछ समय पहले मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो एक करेक्शन लगाई गई थी कि जो राइज इन टेम्परेचर में कुछ डेटा की एनालिसिस में एक डिफेक्ट था और उसको जब करेक्शन लगाई तो पता लगा कि थोड़ा सा उतनी स्पीड से राइज नहीं कर रहा है। बिल्कुल तो शायद बिल्कुल इन बातों ने भी जो ये जो थोड़ा एंटी साइंस आइडियाज को एक हवा दी कि देखिए साइंटिस्ट खुद मान रहे हैं कि अब उतनी नहीं है गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि ये जितने भी रिसर्च एनालिसिस होते हैं इनके पीछे डेटा बहुत ज़रूरी रहता है, और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं दुनिया भर के डेटा की। अब आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे आपको हर शहर में हर एयरपोर्ट पे एक गेजिंग स्टेशन मिलेगा जो आपका टेम्परेचर रेनफॉल विंड सब मेजर कर रहा है, बट अगर आप अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट्स में जाइएगा आपको सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ एक या दो स्टेशन मिलेंगे जो उस सारे क्षेत्र की टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन रिपोर्ट कर रहा है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसी की वजह से जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाती है कि क्या टेम्परेचर वाकई बढ़ रहा है क्या टेम्परेचर बाकी घट रहा है। और जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं उसको कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग हायटस, जिसका मतलब है कि एक टेम्परेरी पॉज और स्लो डाउन और उसके बाद फिर से वो इसी इंक्रीज को रिपोर्ट किया गया है। व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज? आपने जो शब्द का यूज़ किया है मिटिगेशन, ये भी एक क्लाइमेट लिटरेसी का पार्ट है कि जब हम क्लाइमेट चेंज और उससे बचने की बात करते हैं हम बात करते हैं मिटिगेशन की और अडेप्टेशन की। मिटिगेशन इज समथिंग कि हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, तो हमें
हमें उस चीज़ को रोकना है, क्योंकि अगर हमने उसको नहीं रोका तो एक पॉइंट के बाद उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि हम उसको सहन नहीं कर सकते। बट जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट कि कुछ चेंजेस आर गोइंग टू हैपन नो मैटर वॉट हाउ वी रिस्पॉन्ड। आज की डेट में इंडस्ट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करे कि 0.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग और 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, दैट इज गोइंग टू हैपन इवन इफ वी हैव नो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो वी अडेप्ट टू दोज चेंजेस। सो ग्रीन बिल्डिंग्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज लाइक दैट, दे हेल्प इन बोथ वेज। सो क्योंकि आप जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप बात करें कि आप लेस एयर कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं, मोर वेंटिलेटेड एयर स्पेसेज हैं, तो जो आपका एवरेज टेम्परेचर है बिल्डिंग के अंदर वो 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आदमियों के काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो ये दोनों तरीके से हेल्प करता है कि आप उसको मिटिगेट भी कर रहे हैं क्योंकि आप और ग्रीन हाउस एमिशन ऐड नहीं कर रहे हैं, और आप अडेप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग भी होती है, और अगर आप कंक्रीट की बिल्डिंग में बैठे हैं और अगर आप एक ग्रीन बिल्डिंग में बैठे हैं जिसके अंदर ये सारे प्रोविजन दिए गए, आप यू विल फील मोर कम्फर्टेबल एंड यू वुड बी मोर प्रोएक्टिव टू ऑलरेडी चेंजिंग क्लाइमेट। बट अगेन जो ग्रीन बिल्डिंग और ये जो न्यू आर्किटेक्चरल कंसेप्ट हैं, ये अभी भी बहुत लोकलाइज्ड हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में या अदर डेवलपिंग कंट्रीज में, इवन अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज में भी दीज आर वेरी लोकलाइज कंसेप्ट। देर इज़ नो पॉलिसी दैट देर हैज़ टू बी ग्रीन बिल्डिंग और देर इज़ नो मैंडेट विच हैज़ टू चेंज, क्योंकि कि जो क्लाइमेट चेंज है एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इवन इफ आपकी सिटी या आपका गांव इज नॉट टेकिंग पार्ट इन क्लाइमेट चेंज, यू विल फील द इम्पैक्ट, क्योंकि अगर सब कुछ सिस्टमेटिकली चेंज है देन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फीलिंग द चेंज। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आर पॉलिसीज दैट व्हाट शुड चेंज। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल चेंजेस डू नॉट रिक्वायर एनी वीजा। Exactly. They will go to any country. So every country has to be responsible and serious about it, not exactly. developed nations. Even countries like India and China, Bilkul. Which now see a lot of industrial activity compared to advanced countries. Bilkul. So another interesting question sometimes that occurs is the global warming ka jab ki baat aati hai, to warming world garam. To garam desh isse zyada affect honge ya ye equally disastrous hai even for the colder countries? देखिए, ये भी एक हमारा मिसकंसेप्शन है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये सिर्फ है कि सिर्फ गर्मी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दियों में कोल्ड स्नो स्टॉर्म्स नहीं आएंगे। हमारा एक हमारी लैब से एक कुछ समय पहले एक हमने रिसर्च पब्लिश किया था जिसमें हमने यही बोला था कि इवन इन ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियोज कोल्डर कंट्रीज जो हैं दे शुड एक्सपेक्ट देयर शेयर ऑफ कोल्ड स्टॉर्म्स। दे मे ग्रो लेस फ्रीक्वेंट, मतलब उनका नंबर कम होगा, बट जो उनकी इंटेंसिटी है वो छोटे होंगे पर उनकी इंटेंसिटी उतनी ही होगी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गर्म देश है सिर्फ वही प्रभावित होंगे या जो ठंडे देश हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। तो जब क्योंकि गर्मी अगर आपकी ज़्यादा गर्म है, इट विल हैव सम फीडबैक विद विंटर्स, बट यू कैनॉट लाइक कपल और डी कपल दैम कम्प्लीटली। सो ये दिस इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन कि सिर्फ ठंडे देश या सिर्फ गर्म देश इससे प्रभावित होंगे। दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। हाँ, कुछ पार्ट्स पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप हमारे सिरसा या हिसार या फतेहाबाद जैसे शहरों की बात करें, हमारा जो टेम्परेचर अगर 46 डिग्री सेल्सियस है और अगर वो बढ़कर 48 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो जो ह्यूमन बॉडी है वो इट इज़ नॉट डिज़ाइन टू गेट अडेप्टेड टू दोज टेम्परेचर्स। बट आप कुछ और क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर अगर एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, वो 28 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि वो चेंज जो है वो फिर भी कम्फर्ट जोन में है, बट वहाँ की जो ह्यूमन बॉडीज हैं दे आर नॉट प्रिपेयर टू गेट दैट टेम्परेचर। इसलिए आप देखेंगे कि यूरोप यूएसए में गर्मियों में जितने लोग हीट स्ट्रोक से मरते हैं उनकी तादाद कई वर्षों में इंडिया से भी ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर या तापमान है उन देशों से अधिक रहता है। तो बिल्कुल ये गलत धारणा है कि ये एक रीजनल प्रॉब्लम है कि सिर्फ गर्म से बड़े कारण है, और सोसाइटी उसके लिए क्या कर सकती है टू कंटेन द रैपिडली अकरिंग दिस चेंजेस इन सो जो
हम क्या कर सकते हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो हमें डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, उनको थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज से सीखना पड़ेगा और वेस्टर्न कंट्रीज को भी डेवलपिंग कंट्रीज से सीखना पड़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि बॉस्टन में जब गर्मियां ज़्यादा होती हैं तो गवर्नमेंट ने कूलिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। कूलिंग सेंटर्स एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है, तो जो भी होमलेस पीपल हैं या फिर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके घर में एसी नहीं है, जो वयोवृद्ध हैं जिनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको वहाँ पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो एयर कंडीशन सेंटर्स हैं, आप सारा दिन वहाँ बिताइए, वहाँ स्विमिंग पूल है, तो आप उस तीन चार दिन जब हीट वेव्स आई हुई हैं आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। बट आप देखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो कि 46 से 47 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाता है, हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम उनको ऐसी एकोमोडेशन दे सकें। और अमेरिका और यूरोप में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। जैसे कि आज से कुछ वर्ष पहले बॉस्टन में एक वृद्ध महिला थी, वो अपने घर में तीन दिन तक हीट स्ट्रोक की वजह से बाहर नहीं निकल पाई और तीन दिन में उनका देहांत हो गया। बट अगर आप इंडिया या इन क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा सोशल फैब्रिक इतना स्ट्रांग है कि अगर आपको कोई आस पड़ोसी नहीं दिखता, आप उनके घर जाकर उनसे पूछते हैं कि आपके हालचाल कैसे हैं। तो ये जो लेसन्स हैं, हमें उन लेसन्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ चेंजेस हैं दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, सो वी हैव टू अडेप्ट। हमें उनके लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, जैसे कूलिंग सेंटर्स है, अपना सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मिटिगेशन जो है, मिटिगेशन इज़ पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, जिसमें आपको पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या वो एमिशन स्टैंडर्ड्स को सीरियसली ले रही है, जो ऑटोमोबाइल एमिशन हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन हैं, कंस्ट्रक्शन एमिशन हैं, क्या उनको सीरियसली लिया जा रहा है या नहीं, और उसके लिए आपको लार्ज स्केल पॉलिसी चेंजेस करने होंगे। और रही बात की एक पर्सपेक्टिव जो हम कहते हैं कि क्या ये क्लाइमेट चेंज रियल भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लाइमेट चेंज चाहे रियल हो या ना हो वो एक अलग डिबेट है, पर जो हमारे नेचुरल हैजर्ड्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो हो रहे हैं, कल भी होते थे और आगे भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन ओशन सुनामी था, इंडियन ओशन सुनामी का क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं था, बट उस वो आया, तबाही हुई क्योंकि उसकी वजह से बाढ़ आई। तो अगर हम उन बाढ़ की जो लेसन्स हैं उनको उनसे सीख कर, वही क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं कि मोर इंटेंस प्रेसिपिटेशन और ज़्यादा रेनफॉल होगी और इतनी वर्षा होगी कि सब कुछ बाढ़ से अगर बह जाएगा, अगर हम वहाँ के जो लेसन्स हैं उनको अलग अलग डिजास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। So we can expect more regulatory systems to be in place in future. जैसे विकसित देशों में तो कार्बन टैक्स भी लगता है, बिल्कुल, और हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स लगे तो यहाँ पे बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन कार्बन टैक्स भी उन्होंने डिस्करेज करने के लिए लगाया कि इंडस्ट्री शुड टर्न ग्रीनर एंड टू कट डाउन देयर कार्बन टैक्स, बिल्कुल, दे शुड टेक मेजर्स। ऐसा भी लगता है कि बाकी देशों में भी होगा। अभी का तो नहीं पता, पर होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस हैव टू बी ग्लोबल। एक कंट्री कर रही है, दूसरी कंट्री नहीं कर रही है, और यही डिबेट थी जब हम पेरिस अकॉर्ड में गए थे, तब भी यही डिबेट थी कि यूएस और यूरोप ने अपना डेवलपमेंट किया है तो अब भारत और चाइना की जब बारी आई है तो वो क्यों ना करें। बट इन अ बिगर पिक्चर दिस इज़ द टाइम कि जब आप डेवलप कर रहे हो, your policies should reflect that yes you are serious about that. Even America में भी in elections के बाद एक uncertainty का environment create हो गया कि government कहती है कि climate change, they do not believe in climate change, but still they are spending lot on infrastructure, जो कि हमें उनसे फिर भी सीखना चाहिए कि अगर आप climate change नहीं भी हो रहा है, we should be prepared for disasters and that should be a win-win situation. ऐसा ही interesting question बहुत बार मेरे दिमाग में आता है, इसका short shot मुझे भी answer नहीं पता, कि जहाँ हम बात करते हैं कि global warming के लिए industry responsible है, automobiles is responsible है, लेकिन एक नई बात भी आती है, UN ने शायद warning भी दी थी कि Asian countries में जो dairy की जो bovine population है उसकी वजह से जो उनके जो cow dung लगा लीजिए, जो methane emissions हैं, they are equally strong थ्रेट टू ग्लोबल वार्मिंग। इस पे कुछ शेयर, ये आपने जो पॉइंट उठाया है बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं पिछले महीने ब्राज़ील में था और वहाँ पर हमें एक विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट कार्लोस नोब्रे से मिले और हमारी इसी चर्चा हो रही थी। उन्होंने हमें बताया कि जो विश्व के सबसे बड़े मीट प्रोड्यूसर्स हैं, मीट कंज्यूमर्स हैं, वो है
नंबर एक पे यूएसए और नंबर दो पे ब्राज़ील, और दोनों के अंदर बोवाइन पॉपुलेशन इतनी है और उनका जो मिथेन एमिशन इतना है कि दैट ओवरकम्स ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एमिशंस. बट दैट हैज़ टू बी अ फिलोसॉफिकल चेंज. फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर नॉन वेजिटेरियन की तादाद एज़ कम्पेयर टू यूएस और ब्राज़ील बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन उनसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी फिलोसफी है, आप उसको रिलीजनल फिलोसफी कहिए, रिलेटेड टू धर्म अध्यात्म, और पर वहाँ की जो फिलोसफी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. और वो कंट्रीज़ भी अब इस बात को जान गए हैं और उसके लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं कि जो आप खाना आप खा रहे हैं या आपकी गाड़ी से भी डेंजरस है क्योंकि आप उसके ऊपर जितना एमिशंस कर रहे हैं. और इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं यूएस में, इसके ऊपर कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं कंपनीज़ जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं कि आपके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, आप धुआं नहीं छोड़ रहे हैं, बट जो आपकी बोवाइन पॉपुलेशन है दैट इज़ एमिटिंग लार्जेस्ट शेयर ऑफ मीथेन, क्योंकि खासकर की जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है दैट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस एंटायर स्कीम. हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे आयाम भी हैं, लेकिन इतने छोटे से टाइम में तो वी कुड ओनली टच दो सब्जेक्ट्स. अगर कभी फिर मौका लगा तो हर एक को अलग से कर सकेंगे. आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.